जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और आज वाली फील पता कैसी है, जैसे कई लोग सुबह सुबह लेट सो के उठते हैं ना, और अगर गलती से सुबह जल्दी उठ जाए तो फिर अलग ही लेवल का मतलब सेटिस्फेक्शन लगता है ना, और सोचते हैं डेली सुबह जल्दी उठेंगे। सेम फीलिंग मेरे साथ है, लेकिन सवाल ये होता है क्या सही में डेली सुबह उठेंगे। तो याद होगा आपको Vivo V23 Pro का फर्स्ट इम्प्रेशन भी दिया गया था, उसके बाद रिव्यू भी दिया गया था, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की थी आपसे। एंड सेम टाइम Vivo V23 भी आ गया था और इसकी वीडियो मैं दे नहीं पाया था। फिर थोड़े दिन बाद इनका एक और फ़ोन आ गया, Vivo V23e। बेसिकली तीन फ़ोन हो गए इस सीरीज़ में अभी की डेट में। तो आइडिया सिंपल है, इस वीडियो में इन तीनों फ़ोनों की बात करूँगा, इनमें क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। और वीडियो का टारगेट भी यही है कि जो लोग इस सीरीज में इंटरेस्टेड है उन्हीं की काम की वीडियो है ये, क्योंकि ना काफी सिमिलर से दिखते हैं फोन, तो डिफरेंसेस हैं इनमें, लेकिन वो चीज आपको पता लग जाएगा। और तीनों का रेट भी अलग अलग है, जैसे कि तीनों का ना मतलब मैं 8GB रैम 128 के साथ प्राइस बताता हूँ। V23e मिलेगा आपको 25,000, वहीं पे Vivo V23 मिलेगा 29,990, ऑलमोस्ट 30,000, और V23 Pro यहाँ पर 39,000। वैसे ये नॉर्मल प्राइस था, ये ऑफलाइन फ़ोन है, ऑनलाइन भी कार्ड डिस्काउंट है, ऑफलाइन में सभी में 4-4, 3-3 हज़ार रुपये आराम से कम हो जाता है। और जो लोग मेंटोस खाते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन जाके खुद भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज ऑफलाइन फ़ोन का एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आप देख सकते हो बाय करने से पहले लेना है नहीं लेना जो भी है। और आपको पता होगा कि वीवो की ये सीरीज़ ऐसे डिज़ाइन और कैमरा पे ज़्यादा टारगेट करती है, अदरवाइज परफॉर्मेंस पे मतलब स्पेशली जिनको गेमर वगैरह जो होते हैं, आईकू है ही है, घर की खेती टाइप है, मतलब वहाँ पे वो टारगेट किया जाता है। अब जैसे तीनों फोन को देखो आप, यहाँ पर तीनों मेरे पास ना सनशाइन गोल्ड कलर में है, तो काफी सिमिलर से लग रहे होंगे तीनों मिलते जुलते, थोड़ा बहुत छोटे छोटे चेंजेस के साथ। एक चेंज तो ये था कि Vivo V23 और 23 Pro जो है इसमें कलर चेंजिंग डिजाइन आता है, जैसे सनलाइट वगैरह पड़ती है ना तो उसका कलर चेंज होता है। हालांकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसके डिजाइन को अच्छा बनाता है, लेकिन सिर्फ इसे देख के नहीं बाय किया जाता कभी फोन को ये, क्योंकि बैक कवर लगा लोगे तो दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट होगा तो दिखेगा। तो ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ना कि आपके एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए। बाकी तीनों ही फोन ग्लास बैक डिजाइन के साथ आते हैं, और लेकिन एक चीज है, Vivo V23 जो है ना ये बॉक्सी वाला, इसमें मेटल फ्रेम है, बाकी दोनों में जो फ्रेम है वो मेटल का नहीं है। बाकी तीनों ही फोन में 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। 23e में यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट है, और 23 और 23 प्रो में सेम ये आपको डुअल सिम, ये पार्क में घूमने चला गया था यहाँ पे डुअल सिम का ही सपोर्ट मिलेगा। तीनों ही फोन में जो हैप्टिक एक्सपीरियंस है ना, जो वाइब्रेशन मोटर है या फिर टाइपिंग वगैरह करते टाइम, सिमिलर सा ही है, यहाँ पे वाइब्रेशन वाला है, सॉलिड वाला तीनों में नहीं दिया गया। और तीनों ही फोन में सिंगल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, जो कि मुझे लगता है भाई यहाँ डुअल स्पीकर होना चाहिए था। सिंगल स्पीकर के हिसाब से जितनी लाउडनेस मिलनी चाहिए उतनी है, बट ये चीज मैं मिस करता हूँ भाई, यहाँ पर प्रो या फिर 23 में तो डुअल स्पीकर ऐड कर देना चाहिए था, वैसे तो ई में भी करना चाहिए था, बट नहीं है तीनों में। तो फिजिकली भाई कुछ ऐसे से है, तीनों फोन वैसे लाइट वेट है, V23 में मेटल फ्रेम है ना, तो ये 179 ग्राम के आसपास है, बाकी दोनों 172 ग्राम के आसपास, सो काफी लाइट वेट है और कंफर्टेबल फोन फील होते हैं। स्पेशली जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा वो V23 प्रो होगा, क्योंकि डिस्प्ले भी कर्व है, पीछे से फ्रेम भी हल्का सा कर्व है, तो कर्व मिलके आप समझ सकते हैं भावनाएं मेरी। वहीं पे Vivo V23 जो है ना, ये काइंड ऑफ ज्यादा प्रीमियम लग सकता है, टेबल पे रखा हुआ या फिर जैसे आईफोन का डिजाइन आता है ना वैसा सा मैच करता है बॉक्सी। और जो 23e है ये भी मतलब थोड़ा सा बॉक्सी फोन है, लेकिन ये थोड़ा पतला फोन है, तो कुछ ऐसा सा फर्क है। बाकी चार्जिंग वर्जिंग की बात करें तो तीनों में ही 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है। V23e में 4050mAh की बैटरी है, 23 में 4200mAh की बैटरी, और 23 प्रो में 4300mAh की बैटरी। बैटरी थोड़ी कम है, लेकिन ये लोग हमेशा वही डिजाइन लाइट वेट पे फोकस करते हैं। और मुखड़े की बात करें मतलब डिस्प्ले की, तो यहाँ पर तीनों ही फोन में आपको पंच होल वगैरह देखने को नहीं मिलता। एक में आपको मिलेगा यू शेप नॉच V23e में, और 23 और 23 प्रो में आप देख सकते हो ना स्मॉल सा नॉच देखने को मिलता है, जिसके अंदर डुअल कैमरा लगा हुआ सेल्फी कैमरा। एंड आई विश वीवो यहाँ पर पंच होल वगैरह यूज करे, हालांकि वीवो के अकॉर्डिंग सेंसर वगैरह बड़ा यूज हुआ है सेल्फी में, तो वो नहीं करते, बट मैं चाहता हूँ कैसे भी करके करे। उसके अलावा तीनों ही फोन में एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तीनों ही फोन में आपको इन डिस्प्ले स्कैनर मिल जाएगा। फर्क बताऊँ यहाँ पे V23 प्रो जो है 1300 निट्स तक जाता है मैक्सिमम ब्राइटनेस, और जो बेस वाला है 23e ये 800 निट्स तक जाएगा, और 23 नहीं पता मुझे कहाँ तक जाएगा।
आई मीन ऑफिशियली डिटेल नहीं मिला मुझे, लेकिन आउटडोर में ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। तीनों डिस्प्ले में ब्राइटनेस है, डेफिनेटली V23 Pro थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और Vivo V23 का जो डिस्प्ले है ना, ये भी काफ़ी ब्राइट फील होता है और होगा भी नंबर ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है 23 और 23 Pro में। अगर मैं आपको लाइव दिखाऊँ ना, तो HDR10 वीडियो अगर प्ले करते हैं तो ये देखो 23 में जैसे फुल स्क्रीन पे करूँगा ना, तो ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा ब्राइटनेस बूस्ट होगी, इसमें नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको ऑप्शन में भी जाओगे तो HDR10 नहीं दिखेगा। और V23 में जैसे ही मैं इसको लैंडस्केप मोड में करूंगा, देखो ब्राइटनेस बूस्ट होगी। और 23 प्रो में भी सेम कहानी रिपीट होगी, ये देखो ब्राइटनेस बूस्ट हो जाएगा जैसे ही ये हो गया, HDR10 सपोर्ट मिलेगा। बाकी तीनों ही फोन में वाइडवाइन L1 मिलेगा, तो OTT प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख सकते हो HD में। तो ये फर्क था। और एक और फर्क है, 90Hz डिस्प्ले मिलेगा 23 और 23 प्रो में, और 23E में नॉर्मल 60Hz डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली डिस्प्ले के मामले में बात करें तो है तो तीनों AMOLED, लेकिन 23 और 23 प्रो सुपीरियर निकल जाते हैं। और 23 और 23 प्रो में मतलब आपकी डिजाइन के ऊपर पसंद है, उसमें चीन वगैरह भी कम देखने को मिलता है। बाकी वीवो वाले आपको बताइए शॉर्ट सेंसेशन प्रोटेक्शन यूज करते हैं, वही तीनों में मिलेगा। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ 23 में आप देख सकते हो डायमेंसिटी 810 है, 5G प्रोसेसर है, तो 5G का बैंड है, यहाँ पर UFS 2.2 और LPDDR4X रैम है। वहीं पे 23 की बात करें तो डायमेंसिटी 920 है, और 23 प्रो की बात करें तो यहाँ पे डायमेंसिटी 1200 है, और 23 प्रो दोनों में 7 5G के बैंड है, और दोनों में ही LPDDR4X रैम के साथ UFS 3.1 स्टोरेज है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रैक्टिकल फर्क देखने को मिलता है तीनों के परफॉर्मेंस में। 23 और 23 प्रो परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा बेटर फील होंगे 23E के कंपैरिजन में। ई को यहाँ पे पूरी सीरीज में कम प्राइस है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस भी मिलता है, तो यहाँ पे प्राइस टू परफॉर्मेंस का खेल देखने को मिलेगा रियल लाइफ में। बाकी वीवो का फोन है, यहाँ पर कोई ये गेमर्स को टारगेट नहीं कर पाते, इन शॉर्ट मतलब आप प्रो गेमर हो डेफिनेटली ये फोन आपके नहीं है तीनों। लेकिन वीवो वगैरह का फोन अगर आप लेते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोग गेमिंग नहीं करते, कैजुअल गेमिंग आप अच्छी कर पाओगे। और सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको पता ही V23E में डायमेंसिटी 810 है, तो यहाँ पे 40fps की सेटिंग मिलेगी मैक्सिमम, और 23 और 23 प्रो में यहाँ पे 60fps की सेटिंग देखने को मिल जाती है, हाईर सेटिंग। और एडिटिंग करते हुए आ रहा है, कैरियर एग्रीगेशन के बारे में मैंने बात नहीं किया था, तीनों फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है, लेकिन मेरे एरिया में जियो के साथ टेस्ट किया तो V23E और 23 प्रो में ज्यादा स्टेबल रहता है V23 के कंपैरिजन में। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो में V23E Pro बार बार बोल के मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया हूँ, कहीं ना कहीं गलत जरूर बोला होगा। और तीनों ही फोन में भाई गूगल डायलर मिलता है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे लेकिन सामने वाले को पता लग जाएगा। और साथ में तीनों ही फोन में एंड्रॉयड 12 देखने को मिलेगा तीन के तीनों फोन में। मैं चाहूंगा एक बार आप ना मेरा V23 Pro वाला रिव्यू देख लेना, तो उसमें आपको काफी कुछ पता लग जाएगा कैसा मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फनटच OS 11 काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ, 12 को इंप्रूव किया, बट यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत और ज्यादा है, जिसका फीडबैक भी वीवो को दिया जा चुका है, और आई होप वीवो इस पे और बेटर काम करेगा फ्यूचर में। लेकिन हाँ, यहाँ पे तीनों ही फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ आते हैं। और फाइनली जिसके लिए वीवो ज्यादा जाना जाता है, कैमरा और डिजाइन। डिजाइन तो मैंने आपको बताया, कैमरे का नंबर है, मेगापिक्सल नंबर आपके सामने है, आप यहाँ पर तीनों का देख सकते हो, अलग अलग है। सेल्फी में सिंगल सेल्फी मिलती है यहाँ पर 44 मेगापिक्सल 23E में, बाकी दोनों में 50 मेन प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलेगा साथ में। तो इनसे क्या होगा, जैसे ये मेन कैमरे से ये है, अल्ट्रा वाइड से सेल्फी, तो इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। ये 8 मेगापिक्सल ओनली है ना, जिसकी वजह से ऐसे अच्छी लाइट कंडीशन के लिए होता है। तो आपके मन में आ रहा होगा भाई यहाँ पर क्या ही है, मेगापिक्सल ऊपर नीचे होता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ज्यादा फर्क नहीं है। बट मैं बताता हूँ फर्क यहाँ पे कितना सारा है। तो यहाँ पे जो प्रो है, यहाँ पे 4K 60fps वीडियो शूट कर सकते हो आप सेल्फी में भी और मेन कैमरा से भी। और V23 में जो है 4K 30fps जाएगा सेल्फी और मेन कैमरा से, फुल HD पे आप 60fps जा सकते हो। वहीं पे जो 23E है, यहाँ पे फुल HD जाएगा 30 और 60fps पे। एक तो ये फर्क है, दूसरा फर्क जो मुझे प्रैक्टिकली दिखा, V23 Pro जो है इसके अंदर आप ब्लर वीडियो शूट कर सकते हो, बोके वीडियो का ऑप्शन मिलता है फ्रंट और बैक कैमरा दोनों में, बाकी दोनों में देखने को नहीं मिलता। ये V23E है और ये V23 Pro है, जो प्रो में जैसा होगा वैसा ही 23 में भी दिखता है। वीवो का फोन है तो यहाँ पे आपको काफी सारे स्टाइल मोड, यहाँ पे ब्यूटी मोड, उसके बाद ये बोके में अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर, एंड तीनों ही फोन में आपको डुअल वीडियो वगैरह वाला ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो 23 और 23 प्रो में जो यहाँ पे कैमरा UI है ना, थोड़ा नए तरीके से टेक्स्ट वगैरह ऐड किया गया, यहाँ पे थोड़ा पहले वाले तरीके से है। तो ये देखो यहाँ पे ये ज्यादा मिनिमल तरीके से दिया गया है, और 23E में पहले जैसे होता था ना उस तरह से यहाँ पे दिया गया, अलग तरीके से लाइट वर्जन टाइप हल्का। तो अगर सीधा सीधा देखा जाए तीनों फोन के प्राइस में यहाँ डिफरेंस है, रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, ये आप जानना चाहते होंगे। बाकी तो मैंने बताया, अंधेरा, लो लाइट,
पार्क और मैं और ये तीन फोन, इनको टेस्ट कर लिया जाए। तो क्योंकि ये सिर्फ कैमरा कंपैरिजन नहीं है, तो मैंने इनको जब जज किया, आप सिर्फ फोटोज देखो, तो V23 और V23 Pro रिजल्ट काफी क्लोज है यहाँ पर, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में जो डिटेल्स है और जो शार्पनेस आती है ना किनारों पे, V23 Pro में थोड़ा बेटर आता है। सेकंड नंबर पे V23 आता है, जैसे प्राइसिंग डिफरेंस है ना, रिजल्ट भी वैसे मिलते हैं। और V23e जो है, इसका रिजल्ट उनके कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट आता है और कलर डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर आप 23 प्रो या फिर 23e में देखेंगे, कोई एक ही खरीदोगे, अगर आप खरीदोगे आप तो नहीं कंपेयर करने वाले, तो यहाँ पर मोर और लेस ना सिमिलर से रिजल्ट देखने को मिलते हैं काफी हद तक, क्योंकि मैंने अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट किया। सेम सेल्फी के लिए अप्लाई होता है, जैसे सेल्फी में एक और चीज है ना, 23 और 23 प्रो में स्पॉट लाइट का ऑप्शन मिलता है, सामने से दो लाइटें जल जाती है और ये रियल लाइफ में काम करता है भाई, एकदम अंधेरे में भी फोटो आप क्लिक कर सकते हो। कलर साइंस आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा आपको गोरा वगैरह करके दिखाता है, सोशल मीडिया रेडी टाइप फोटोज। अदरवाइज डायनेमिक रेंज तीनों फोन में अच्छी है, डिटेल्स वगैरह ठीक ठाक आ जाती है, अच्छी आ जाती है। पोर्ट्रेट मोड स्पेशली अट्रैक्टिव आता है तीनों ही फोन से, तो कहीं ना कहीं मुझे 23 का कैमरा सबसे ज्यादा बैलेंस फील होता है इन तीनों ही फोन में। लेकिन क्योंकि प्राइस डिफरेंस है भाई, बजट पे भी तो डिपेंड करता है, उसी बेस पे ओपिनियन देने जा रहा हूँ। तो भाई देखो, जैसे मैंने कहा, ये उनके लिए वीडियो है जो वीवो की V23 सीरीज में कंफ्यूज है, सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो बनाई गई थी, क्योंकि मैंने 23 और 23 को कवर नहीं किया था। तो अगर बजट कम और वीवो का इसी सीरीज में से फोन लेना है, तो फिर आप वीवो V23e देख सकते हो। लेकिन अगर आप बजट बढ़ा सकते हो और सबसे ज्यादा जो बैलेंस फोन लगता है इन तीनों में, वो है V23 और 23 Pro उनके लिए भाई, जो कि मतलब पैसा ज्यादा लगाना चाहते हैं, कर्व डिस्प्ले पसंद करते हैं और परफॉर्मेंस वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा बेटर मिलेगा। मैंने आपको काफी फर्क दिखाने की कोशिश की, तो तीनों सीरीज इस तरीके से, मतलब तीनों फोन इस सीरीज के ऐसे टारगेट करते हैं। वहीं पे अगर बजट सबसे ज्यादा बढ़ाना है, फिर आप X सीरीज में चले जाओ। और काफी डिफिकल्ट सा था इन तीनों में डिफरेंस क्रिएट करके बताना एक ही वीडियो में, बट मैंने ट्राई किया, क्लियर हो सके आपको क्या कैसे है। आपको तीनों फोन में से कौन सा अच्छा लगा, कम लगा, ज्यादा लगा, नहीं लगा, जो भी है कमेंट करके बताना। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।